दोस्तों लगभग हर एक इंसान सुबह जल्दी जागने की कोशिश करता है, कुछ लोग पढ़ाई करने के लिए, कुछ लोग काम करने के लिए, लेकिन मोस्टली लोग सुबह जल्दी उठ नहीं पाते हैं। कुछ लोगों की नींद नहीं खुलती है तो कुछ लोगों को बहुत ज्यादा आलस आ रहा होता है। लेकिन दोस्तों वहीं अगर हमें सुबह 4 बजे या फिर 3 बजे कहीं ट्रिप पे जाना होता है, हमारी ट्रेन होती है 3 या फिर 4 बजे, तो हम 1 घंटे पहले जाकर स्टेशन पे पहुंच जाते हैं। और वहीं दोस्तों मान लो कल सुबह 4 बजे आपकी ड्रीम कार आपको मिलने वाली है, तो क्या सुबह 4 बजे आप जाग जाओगे या फिर उस टाइम भी आपको आलस आ रहा होगा? क्या बात कर रहे हो भैया, अगर ड्रीम कार मिलने वाली कल सुबह 4 बजे, फिर तो खुशी की वजह से पूरी रात नींद ही नहीं आएगी, हम तो सोएंगे ही नहीं। तो दोस्तों ऐसा क्या होता है कि पढ़ाई करने के लिए हमारी नींद सुबह जल्दी नहीं खुलती है, काम करने के लिए सुबह जल्दी नींद नहीं खुल पाती है, लेकिन कहीं घूमने जाना होता है या फिर हमारी ट्रेन छूट रही होती है तो फिर हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं, या फिर हमारा कोई ड्रीम कंप्लीट हो रहा होता है तो भाई साहब हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं, ऐसा क्या है? दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको कुछ चीजें बताने वाला हूँ जिनका अगर आप यूज करते हो तो भाई आप 4 बजे जल्दी उठ सकते हो। क्योंकि दोस्तों जब कहीं हमें जाना होता है, हमारी ट्रेन होती है सुबह 3 बजे, या हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन जाने अनजाने में हम कुछ चीजें यूज करते जो हमें खुद को नहीं पता होती है, ठीक है? तो वही चीज आपको बताने वाला हूँ, वही चीजें अगर आप डेली लाइफ में यूज करोगे तो सुबह जल्दी उठ पाओगे। दोस्तों ये बात तो आपको पता ही होगी कि काम करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए सुबह का समय सबसे बढ़िया होता है। दोस्तों इसके बहुत सारे रीजन, जैसे सबसे पहला रीजन है साइलेंस, शांति। दोस्तों सुबह का समय एकदम शांत होता है, ना तो हमारी मम्मी हमें आके कोई काम देती है और ना ही हमारे दोस्तों का कॉल आता है, और एकदम शांति होती है। तो शांति होती है तो फुल फोकस के साथ हम काम कर पाते हैं या फिर पढ़ाई कर पाते हैं। सेकेंड रीजन है एक्स्ट्रा टाइम। अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं देन बाकी लोगों के कंपैरिजन में हमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा मिल जाता है। तो मान लेते हैं दुनिया में ज्यादातर लोग सुबह 7 बजे उठते हैं, लेकिन आप हर रोज सुबह 4 बजे उठते हो, देन बाकी लोगों के कंपैरिजन में आपको हर दिन 3 घंटे एक्स्ट्रा मिलेंगे। ये 3 घंटे हर रोज जो आपको एक्स्ट्रा मिल रही है, कैलकुलेट कर लो 1 साल में ये 3 घंटे कितने ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा होंगे दोस्तों। तो बाकी लोगों के कंपैरिजन में आप ज्यादा काम कर पाएंगे, ज्यादा काम कर पाएंगे तो ज्यादा सक्सेसफुल हो पाएंगे एंड ऑब्वियसली ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका यूज करके हम सुबह जल्दी उठ सकते हैं। अगर दोस्तों पहली बार आ रहे हो आप अर्ष की पढ़ाई पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैंने एक चीज नोटिस करी है, दुनिया में ज्यादातर लोग सुबह जल्दी जागना तो चाहते हैं लेकिन रात को जल्दी सोना नहीं चाहते। मतलब जागना तो जल्दी चाहते हैं लेकिन सोना नहीं चाहते। तो दोस्तों आपको फोकस जल्दी जागने पे नहीं करना है बल्कि जल्दी सोने पे करना है, क्योंकि अगर आपका फोकस रहा जल्दी जागने पर लेकिन आप देर से सोए तो सुबह जल्दी उठ नहीं पाओगे। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं कहते हैं मेरे को सुबह 4 बजे उठना है लेकिन रात को 1 बजे सोते हैं। अब भाई साहब रात को 1 बजे सो रहे हो, 12 बजे सो रहे हो, तो सुबह 4 बजे जल्दी कैसे उठ पाओगे? जल्दी जागना है तो जल्दी सोना पड़ेगा। तो दोस्तों जल्दी जागने के साथ साथ जल्दी सोने पर भी फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज से कुछ साल पहले मैं सुबह 4 बजे जागने की कोशिश करता था, लेकिन मैं एक चीज नोटिस करता था, काफी बार मैं सुबह 4 बजे जाग जाता था, अलार्म बजता था, ठीक है, उठ भी जाता था, लेकिन फिर से मेरे को नींद आने लग जाती थी, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था यार 4 बजे उठ तो गया मैं लेकिन मैं करूं क्या, कुछ है ही नहीं करने को, बोर होता था तो जाके मैं सो जाता था, ठीक है। लेकिन दोस्तों आज के टाइम पर मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग वाई है कि मेरे को सुबह जल्दी क्यों उठना है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है कि मेरे को सुबह क्यों उठना है, क्योंकि दोस्तों मुझे बहुत जल्द अपने कैरियर में सेटल होना है, मेरे को एक कंपनी ओपन करनी है और अपने माँ बाप के सपने पूरे करने हैं, मेरे कुछ ड्रीम्स है जिनको मेरे को पूरा करना है, इसलिए मेरे को हर दिन सुबह जल्दी उठना है, काम करना है, मेहनत करना है, पढ़ाई करना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। दोस्तों आप सुबह 4 बजे उठना तो चाह रहे हो लेकिन क्यों 4 बजे उठना चाह रहे हो, क्या करोगे 4 बजे उठ के? दोस्तों आपके पास एक स्ट्रॉन्ग वाई होना चाहिए कि भैया कोई चीज करनी है तो क्यों करनी है। दोस्तों आपको एक बात बताऊं, आप मुश्किल से मुश्किल, बड़ी से बड़ी, बुरी से बुरी चीज कर सकते हैं अगर आपको एक चीज क्लियर है, वाई, कि क्यों करना है। दोस्तों अभी मैं आपको बोलता हूं कि जाके 50 पुशअप्स मारो, आप मारोगे 50 पुशअप्स? क्यों मारूंगा भैया, नहीं मारूंगा यार, मैं तो थका हुआ हूँ बहुत ज़्यादा, कैसे मारूंगा 20 पुशअप्स यार, मेरे को तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। लेकिन अगर मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आप अभी 50 पुशअप्स मारते हो देन आपको BMW कार मिलेगी, अब बताओ अब मारोगे पुशअप्स? बहुत ज़्यादा थके हो, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तब भी मार लोगे, क्यों? क्योंकि क्लियर है अगर अभी 50 पुशअप्स मार लिए देन हमको BMW कार मिलेगी। तो दोस्तों जब ये चीज़ हमें क्लियर होती है कि हमें कोई चीज़ क्यों करनी है तो हम वो चीज़ कर जाते हैं, फिर चाहे भले ही कितनी नींद आ रही हो, चाहे भले ही हम कितनी ज़्यादा थके हों, वो चीज़ हम कर लेते हैं क्योंकि हमें क्लियर होता है कि वो चीज़ हमें क्यों करना है। तो दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग रीज़न रखिए कि सुबह उठना है जल्दी तो क्यों उठना है, आप टॉपर बनना चाह रहे हो, जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाह रहे हो, तो दोस्तों आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि सुबह जल्दी क्यों उठना है, आज के आज क्लियर कर लो। अब दोस्तों ये चीज़ तो हम लोगों के साथ होती है कि अगर सुबह 4 बजे हमारी ट्रेन होती ना तो हम सुबह 3 ही बजे उठ जाते हैं, जल्दी उठ जाते हैं ताकि ट्रेन ना छूट जाए, और बहुत एक्साइटेड होकर उठते हैं।
तो दोस्तों वहां पर ना सोने से पहले आप लोग एक चीज यूज करते हो जो कि आप लोग जाने अनजाने में यूज करते हो लेकिन आपको पता नहीं होती, वो क्या होती है? प्लानिंग। हम पूरा प्लान करके सोते हैं कि कल सुबह 4 बजे उठूंगा मैं, सबसे पहले नहा लूंगा, उसके बाद पूजा कर लूंगा, है ना, सामान वामान तो मैंने लगा ही लिया, ठीक है, उसके बाद सीधा स्टेशन पे जाएंगे, 15 मिनट पहले चले जाएंगे, है ना, ना ट्रेन छूट जाए। तो भाई साहब हम लोग पूरी प्लानिंग करके सोते हैं, प्लानिंग करके सोते हैं तो सुबह जल्दी हम उठ भी जाते हैं, फिर वहाँ हमें आलस नहीं आता है। लेकिन दोस्तों जब हम सुबह उठ के काम करना चाह रहे हैं, पढ़ाई करना चाह रहे हैं, तब हम प्लानिंग करना भूल जाते हैं। दोस्तों अगले दिन सुबह उठ के आप क्या क्या चीज़ करने वाले हैं, प्रॉपर आपके पास प्लान होना चाहिए कि मैं सुबह उठूंगा, सबसे पहले मुंह धुलूंगा, उसके बाद मैं पानी पीऊंगा, उसके बाद मैं फ़ोन लूंगा, वीडियो एडिटिंग करूंगा, वीडियो शूटिंग करूंगा, या फिर पढ़ाई करूंगा, जो भी चीज़ करने वाले हो उसकी पूरी प्रिपरेशन कर लो सुबह उठ के। अगर केमिस्ट्री पढ़ने वाले हो तो जहाँ पर भी बैठ के पढ़ते हो वहाँ पर केमिस्ट्री की बुक पहले से ही रख दो। प्रॉपर प्लान आपके पास होना चाहिए कि अगले दिन उठ के आप क्या करने वाले हैं। दोस्तों हम लोग कहीं भी घूमने जाते हैं और सुबह 4 बजे हमारी ट्रेन होती है, तो जब हम सोने रात को जा रहे होते हैं, देन सोने से पहले हम लोग ना पूरी चीज़ एक बार विजुलाइज कर रहे होते हैं कि कल मैं सुबह 4 बजे उठ रहा होऊंगा, उसके बाद मैं नहा रहा होऊंगा, कितना मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा, उसके बाद मैं स्टेशन पर जाऊँगा, कितना खुशी होगा, है ना, ट्रेन आ जाएगी, फिर हम ट्रेन चेक करते रहेंगे फ़ोन पर, कितना मज़ा आएगा। ये चीज़ हम सोचते सोचते ही सोते हैं, यही चीज़ दिमाग में हमारे चल रही होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग विजुलाइजेशन, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपने पूरी प्लानिंग तो कर ली कि सुबह उठ के मैं ये करूँगा, वो करूँगा, फलाना ढिकना, ठीक है, लेकिन दोस्तों माइंड को इंस्ट्रक्शन देना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। दोस्तों आपने तो पूरा प्लान तैयार कर लिया, लेकिन दोस्तों आपका ये जो माइंड है ना, ये आपकी बहुत मदद करेगा सुबह जल्दी उठने में। दोस्तों आप सुबह उठना चाह रहे हो, क्यों उठना चाह रहे हो, क्या करोगे उठ को, सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस, सारे के सारे ऑर्डर्स आपको माइंड को देने हैं कि सुबह 4 बजे उठना है, उसके बाद ये करना है, वो करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपका माइंड आपको सपोर्ट करेगा, ठीक है, इसको विजुलाइजेशन बोलते हैं। तो दोस्तों आपने जो भी प्लान बनाया अगले दिन सुबह उठ के आप क्या करने वाले हो, कैसे करोगे, पूरा चीज़ सोने से पहले विजुलाइज करो ऐसे कि मैं सुबह 4 बजे उठ चुका हूँ, मैंने मुंह धुल लिया है, उसके बाद मैंने पढ़ाई कर ली है, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, उसके बाद मैंने ये किया, ठीक है, तो पूरा चीज़ विजुलाइज करना है। और दोस्तों रिजल्ट आप देख लेना, बहुत बढ़िया मिलेंगे आपको। इसके अलावा दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जैसे कि दोस्तों सोने से पहले आप अलार्म जिसमें भी सेट करते हैं, जैसे कि अगर आप फोन में करते हैं तो आप जहाँ पे सोते हैं फोन को थोड़ा सा दूर रखें। दोस्तों अगर आप फोन या फिर अलार्म क्लॉक बिल्कुल पास रखे सोएंगे, अलार्म बजेगा और आप स्नूज कब कर देंगे आपको पता ही चलेगा। इसीलिए दोस्तों आप जिसमें भी अलार्म सेट कर रहे हैं उस चीज़ को आपको अपने से दूर रखना है, जिससे कि अलार्म बजे तो बंद करने के लिए आपको थोड़ा सा चलना पड़े, ठीक है, वरना पास रख के सोगे तो नींद में ही बंद कर दोगे, अलार्म पता भी नहीं चलेगा। अब दोस्तों एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, दोस्तों मान लो गर्मियों का मौसम है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन दोस्तों ना तो पंखा चल रहा है और ना एसी चल रहा है, बहुत गर्मी है, ना तो पंखा चल पा रहा है, ना एसी चल पा रहा है, आपको पसीना ही पसीना आ रहा है, क्या उस मूवमेंट पर आपको नींद आ सकती है, क्या उस मूवमेंट पर आपको आलस आएगा? आलस नहीं आएगा यार, गर्मी के चक्कर में तो नींद नहीं आती है यार, ठीक है। लेकिन वही गर्मियों का दोस्तों मौसम है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन आपके सामने एसी चल रही है, एकदम ठंडी ठंडी हवा आ रही है, आप बेड पर बैठे हुए हो, तो क्या उस समय आपको नींद आएगी? बहुत अच्छी नींद आती है दोस्तों, गर्मियों में एसी के सामने बैठ जाओ, क्या बढ़िया नींद आती है, लेकिन तब पसीना बहता है ना गर्मियों में, फिर नींद नहीं आती भाई साहब। हाँ ऐसा ही होता है दोस्तों, बहुत सारे लोग सुबह 4 बजे उठ तो जाते हैं लेकिन सामने एसी चल रहा होता है, एकदम बढ़िया कम्फर्ट जोन में होते हैं, तो फिर उठने का मन ही नहीं करता यार, मन नहीं करता, कम्फर्ट जोन में ही मन करता है, अरे सोते रहो यार, कितना बढ़िया लग रहा है, उठेंगे तो बड़ी तकलीफ होगी। इसीलिए दोस्तों सुबह आप 4 बजे उठ जाते हो ना, उठते ही इंस्टेंटली जैसे ही अलार्म बजता है, एसी चल रही है तो उसको बंद कर दो, अगर गर्मियों का मौसम है खुद को कंफर्ट जोन से बाहर लेके आना, देखो सिंपल सी बात है, अगर कंफर्ट जोन में रहोगे आलस आएगा दोस्तों, ठीक है। इसलिए मैं अपना बताता हूँ, जब मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, एसी चल रही होती है गर्मियों के मौसम में, तो एसी मैं सबसे पहले बंद करता हूँ, तो गर्मी हो जाती है कमरे में, गर्मी हो जाती है तो फिर मेरे को नींद वैसी नहीं आती, मैं वैसी उठ जाता हूँ, ठीक है। दोस्तों एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, सुबह आप जैसे ही उठते हो ना, आपको एक चीज़ दिमाग में रखनी है, कैसे भी करके मुझे बेड को छोड़ देना है, एसी वगैरह को बंद कर देना है और जाके बस मुंह धुल लेना है। दोस्तों ये टारगेट रखो। दोस्तों मैं डेली एक्सरसाइज करता हूँ, पुशअप्स वगैरह करता हूँ, काफ़ी बार मेरा भी मन करता है कि यार आज पुशअप्स नहीं करते यार, बहुत थका हुआ हूँ, मन नहीं कर रहा है ना, है ना, मैं डेली टारगेट रखता हूँ कि 40-50 पुशअप्स कम से कम करूँ, ठीक है, लेकिन काफ़ी बार मन नहीं करता, फिर मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि चलो कोई बात नहीं, आज मन नहीं है करने का, सिर्फ 2 पुशअप्स करूँगा, एक या फिर 2, ज़्यादा नहीं, 2 पुशअप्स करेंगे सिर्फ, फिर 2 पुशअप्स करता हूँ ना, तो जब पुशअप्स करना स्टार्ट करता हूँ, 2 कंप्लीट करता हूँ, सोचता हूँ 2 कर ही लिए हैं तो पूरे 40-50 कर ही लेते हैं, जो कर ही लिए इतनी मेहनत। तो दोस्तों मुश्किल होता है फर्स्ट स्टेप लेना, फर्स्ट स्टेप अगर आपने ले लिया तो आप सेकंड स्टेप भी ले लेंगे। दोस्तों सिंपल सी बात है, हम लोग थोड़े से आलसी होते हैं, मैं तो बहुत आलसी हूँ, देखो सिंपल सी बात है, ठीक है। अब जब पुशअप्स करना स्टार्ट किया मैंने, 2 पुशअप्स कर लिए, तो आलसी इतना हूँ कि अब जब पुशअप्स स्टार्ट कर ही दिए हैं
तो यार पूरी कर लेते हैं, इतनी तकलीफ करी दो पुशअप करने में, समझ रहे हो। ऐसे दोस्तों सुबह आप जैसे उठते हो ना, आपको एक चीज में फोकस करना है कि कैसे भी करके मेरे को बेड छोड़ना है और जाके मुंह धो लेना है। इतना कर लोगे ना, उसके बाद नींद अपने आप भग जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इन चीजों को अगर आप फॉलो करते हो देन मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ आप सुबह 4 बजे जल्दी जाग पाओगे। अब दोस्तों लास्ट में मैं अपना रूटीन बता देता हूँ कि मैं सुबह 4 बजे जल्दी कैसे उठता हूँ, किन किन चीजों को फॉलो करता हूँ। तो दोस्तों रात को सोने से पहले मैं क्या करता हूँ, टू डू लिस्ट बनाता हूँ कि अगले दिन मेरे को कौन कौन से काम कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो मेरे को क्लियरिटी रहती है कि कल मेरे को वीडियो बनाना है, साथ ही साथ मेरे को बुक रीड करनी है, ये करनी है, वो करनी है, पहले से मैं डिसाइड कर लेता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, सोने से पहले पूरी चीज विजुलाइज करता हूँ, अच्छा कल मेरे को ये सारे काम करने हैं, वीडियो बनाना है, उसके बाद मेरे को पढ़ाई करना है, वो करना है। फिर मैं क्या करता हूँ, सोने से पहले विजुलाइज करता हूँ, कल मैं सुबह 4 बजे उठ चुका हूँ, सबसे पहले मैंने मुंह धुल लिया, उसके बाद मैंने सबसे पहले पढ़ाई करी 1 घंटे, उसके बाद 5 से 6 मैंने एक्सरसाइज करी और 6 से 7 फिर मैंने वीडियो बनाया। इस तरीके से मैं जो भी काम डिसाइड करता हूँ अगले दिन के लिए वो एक बार विजुलाइज भी कर लेता हूँ, जिससे कि मेरे माइंड को इंस्ट्रक्शंस मिल जाते हैं कि सुबह 4 से 5 क्या करना है, 5 से 6 क्या करना है, 6 से 7 क्या करना है, और माइंड मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है सुबह जल्दी उठने में। उसके अलावा मैंने इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें बताई वो सारी चीज़ मैं खुद फॉलो करता हूँ, जैसे कि अपने फ़ोन को खुद से दूर रखता हूँ, फ़ोन में अलार्म बजता है तो फ़ोन को मैं खुद से दूर रखता हूँ, और सुबह जैसे ही उठता हूँ तुरंत एसी को बंद करता हूँ, भगते हुए जाता हूँ, अपना मुँह धुल लेता हूँ, ठीक है, और उसके बाद तो फिर काम स्टार्ट हो ही जाता है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको पता चला होगा कि अगर सुबह जल्दी उठना है देन हमें किन किन चीज़ों को फॉलो करना है, और लिटरली दोस्तों ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, मेरी तो बहुत हेल्प करी है, मैं डेली सुबह 4 बजे उठ पा रहा हूँ इन चीज़ों को फॉलो करके। आप भी दोस्तों इन चीज़ों को फॉलो करिए और मुझे ज़रूर बताइएगा ये सारी चीज़ आपके लिए वर्क करी या फिर नहीं। अभी भी दोस्तों आपका कुछ डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो देन आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।